Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Stay safe, stay in your home, as you know that this pandemic is going on. May Allah bless us all. And as you all know that our classes are going on daily basis, so we choose different topics on daily basis. And today I have chosen a topic that is qualities of a good salesperson for handling queries. It's a topic for level 3 students. So in this topic we will get to know about the qualities of a good salesperson. We have already discussed some of the features of a salesperson's duties and responsibilities of a salesperson. Today we will get to know about the qualities of a good salesperson when a salesperson are going to handle the queries of a customer. People, if you know that people always look for the persons who are honest, who are truthful, who have some integrity towards their duties. So, ऐसे सेल्स पर्सन्स को जो है कस्टमर्स ढूंढते हैं। हाँ, जब भी कोई कस्टमर जो है रिटेल स्टोर में जाता है या कोई शॉपिंग के लिए जाता है, कोई बाइंग के लिए जाता है, तो वो हमेशा ऐसे सेल्समैन का देखते हैं, सेल्स पर्सन्स को देखते हैं जो ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, जो अपना काम, जो अपनी ड्यूटीज एंड जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रॉपरली निभाते हो, और जो वो कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करे। तो इसके लिए जो ये कस्टमर्स की क्वेरीज या कस्टमर्स की डिमांड्स पे वही सेल्स पर्सन्स जो है खरे उतरते हैं, जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेल्स पर्सन जो होते हैं ये टॉप परफॉर्मर्स होते हैं किसी भी रिटेल स्टोर को, इनको हम टॉप परफॉर्मर्स भी बोलते हैं। तो इनमें जाहिर सी बात है, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, खासियत होनी चाहिए। तो ये जो टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं इनकी क्या क्या फीचर्स रहने चाहिए, इनमें क्या क्या खूबियां रहनी चाहिए, वो हम आज पढ़ेंगे। तो टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पीपल सेट बिग गोल्स। व्हाट डज इट मीन दैट दे हैव अ बिग गोल? दे सेट अ बिग गोल, दे सेट दोज गोल्स दैट आर चैलेंजिंग बट अचीवेबल। तो ऐसे गोल्स सेट करके रखता है एक सेल्स पर्सन जो चैलेंजिंग हो लेकिन वो उसको अचीव करने में पूरा अपना जोर लगाता है। ये एक माइंड में एक गोल को सेट करता है दैट आई हैव टू सेल दोज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल डे। सपोज एक सेल्स पर्सन जो है वो एक माइंड में जब वो एक काम के लिए आ जाता है, मॉर्निंग में आ जाता है एक स्टोर में काम करने के लिए, वो उसका एक पर्टिकुलर डे का गोल रहता है कि मुझे जो है आज 100 प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो वो कैसे वो सेल करेगा, कस्टमर्स का फ्लो रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा कैसे, बट उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कस्टमर को मोटिवेट करना पड़ता है, कस्टमर्स के थ्रू पॉजिटिव अप्रोच करना पड़ता है। तो सेल्स, ये जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, ये एक बड़ा गोल सेट करके रखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है कस्टमर्स को सेल करेंगे, कैसे हम अपना जो गोल है वो अचीव करेंगे। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है इन टॉप परफॉर्मर्स का या सेल्स पर्सन्स का, ये रहता है कि दे ऑलवेज आस्क हाई वैल्यू क्वेश्चंस। जो भी टॉप परफॉर्मर होगा, जो भी सेल्स पर्सन टॉप परफॉर्मर होगा, जो जिसकी परफॉर्मेंस लेवल हाई होगी, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा। किन से क्वेश्चंस पूछेगा? कस्टमर से पूछेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा सो दैट कि उसको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बारे में पता चले प्रॉपरली, उनको वो फिर उसके बाद गाइड करे और जो है कस्टमर भी उनसे सेटिस्फाई होके ही जाए स्टोर से एक प्रॉपर परचेजिंग के बाद। इसके बाद एक और चीज भी इंपॉर्टेंट रहती है कि टॉप सेल्स पीपल आर एंथुजियास्टिक। ये जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं, टॉप परफॉर्मेंस होते हैं, ये हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, ये खुद को काम रख के चलते हैं कि अगर हमारे पास वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो भी आता है, हमारी सेल्स नहीं हो रही है, तब जाके भी ऐसे सेल्स पर्सन्स को एक पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ता है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ
डील करना पड़ता है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि अगर ये उस नेगेटिव फ्लो में, नेगेटिव अप्रोच में चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, ये खुद का नुकसान करेंगे, ये जो है अपनी सेल्स नहीं कर पाएंगे, ये कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद डिमोटिवेटेड होंगे। तो इसलिए जरूरी है एक सेल्स पीपल जो है ये एक एंथुजियास्टिक होना चाहिए, इनमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये कस्टमर को अप्रोच करनी चाहिए, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ इनका कस्टमर्स के थ्रू बिहेवियर रहना चाहिए। तो ये बात होती है सेल्स पर्सन्स की। सेल्स पर्सन जो होते हैं इनको हम टॉप सेलर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो है अपने स्टोर को रन करने में काम करते हैं, स्टोर को जो है ये प्रॉपरली रन करवाते हैं, तो इनको हम टॉप सेलर्स के नाम से भी जानते हैं। तो टॉप सेलर्स आर हार्ड वर्कर्स, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या? हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। तो ये जो है ये हार्ड वर्कर्स होते हैं, हार्ड वर्कर्स किस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं कि एक एक टॉप सेलर अपने कुलीग से डिफरेंट रहता है। इस पर्सपेक्टिव में वो डिफरेंट रहता है कि वो मॉर्निंग के टाइम पे जब उनको काम करने आना, वो अर्ली काम करने आता है और शाम को देर से निकलता है, या वो सोशल चिट चैट्स में ज्यादा अपना टाइम बिजी नहीं रखता है, वो कोशिश करता है कि मेरा जो फोकस रहे वो कस्टमर्स के थ्रू रहे, मेरा जो फोकस रहना चाहिए वो प्रोडक्ट्स को सेल करने में रहना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है वो अपना हार्ड वर्क करते हैं और एक टॉप परफॉर्मर्स बन जाते हैं। क्योंकि देखिए टॉप परफॉर्मर्स आपके स्टोर में 10 लोग काम करते हैं एज अ सेल्स पर्सन काम करते, लेकिन टॉप परफॉर्मर उनमें से 2 या 4 या 3 होंगे। वो क्यों टॉप परफॉर्म? क्योंकि उनका जो उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल होती है वो काफी हाई रहती है, इस पर्सपेक्टिव में कि उन्होंने प्रोडक्ट्स को क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज उनका एक कस्टमर इमेज बन गया है, कस्टमर्स के माइंड में उनके लिए इमेज बन गया है, उस हिसाब से वो टॉप परफॉर्मर्स कहलाते हैं। तो टॉप सेलर्स जो है, टॉप परफॉर्मर्स को टॉप सेलर्स भी बोलते हैं, ये हार्ड वर्कर्स होते हैं कि ये अपना जो भी प्रीशियस टाइम है वो सेलिंग में ही ज्यादा टाइम लगाते हैं, और इस उनका ये फोकस रहता है कि कैसे हम कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाए, कैसे हमारे अप्रोच कस्टमर्स के टूवर्ड्स रहने चाहिए, सो दैट कि कस्टमर्स जो है हमसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है टॉप सेलर्स का या टॉप परफॉर्मर्स का, ये है दे आर द गुड लिसनर्स, दे आर द ग्रेट लिसनर्स। ऐसा बोला जाता है कि टेलिंग इज नॉट सेलिंग, विच मीन्स दैट कि आप बोलेंगे दैट डजंट मीन यू आर सेलिंग समथिंग, आप बोलते रहेंगे किसी का कुछ सुनेंगे नहीं, जो सामने वाला पर्सन आपसे होगा वो बोर हो जाएगा, वो आपका ही सुन के या तो उनको आप फेक लगेंगे या उनके माइंड में आपका एक डिफरेंट इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल्स पर्सन दैट दे शुड लिसन प्रॉपरली टूवर्ड्स द कस्टमर, दे शुड लिसन व्हाट द कस्टमर आर ट्राइंग टू से, क्या कस्टमर की क्वेरीज है, क्या कस्टमर कहना चाहता है, क्या डिमांड्स कस्टमर्स की है। साइलेंस इज अ बिग एसेट इन सेलिंग, अगर आप साइलेंट रहते हैं तो आप काफी चीजों को अचीव करते हैं, आप जो है एक कस्टमर का माइंड जो है वो रीड कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर को जितना आप बोलने देंगे उतना आपकी माइंड में उनके बारे उतना आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर जो है वो आप उनको मौका दे बोलने का, जितना आप बोल वो कस्टमर बोलेगा आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आप उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो टॉप सेल्स पीपल जो है दे आर ग्रेट लिसनर्स, ये सुनते हैं कस्टमर्स का, ये कस्टमर्स को सुनते हैं, उसके बाद जो है अपना फीडबैक देते हैं, गाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर्स को। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है इन टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पीपल का, दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दे वर्क विद अ पैशन, इनका पैशन रहता है कि मुझे सेल्स करनी है,
मुझे प्रोडक्ट्स को बेचना है, मुझे जो है प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचाने हैं, ये काम करते हैं तो प्रोडक्ट्स के लिए काम करते हैं, ये जो है बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स के लिए बात करते हैं, तो इनका एक गोल रहता है, एक पैशन रहता है माइंड में कि ये जो है हमारा जो काम है वो प्रोडक्ट्स के लिए हो, ये प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करे। तो टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पीपल के बारे में आपने सारी चीजें जानी कि कैसे एक टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पीपल जो है वो काम करते हैं एक रिटेल स्टोर में, कैसे वो क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। जब एक टॉप परफॉर्मर होता है वो उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रोस्पेक्ट को एक कस्टमर में कन्वर्ट करे। विच मीन्स अगर आपके पास एक लीड आ जाती है, लीड किसको कहते हैं हम, लीड कहते हैं कि कोई भी कस्टमर, एक फिकल कस्टमर मैं बात करूं, एक फिकल कस्टमर आपके पास आ जाता है, उसको अगर आप एक टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन है, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ कस्टमर, जो आपके साथ ऐसा कस्टमर जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के निकलेगा, या एक लॉयल कस्टमर हम बोल सकते हैं, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन्स में जब सारी क्वालिटीज होती है, ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो किसी भी कस्टमर को मोटिवेट कर सकता है, उनका माइंड रीड कर सकता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस कर सकता है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है, और उसके बाद उनको जो प्रोडक्ट्स उनकी नीड्स होंगी, डिमांड्स होंगी, उनको वो सेल उनके उन वो प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सकता है। और तो ये सारी चीजें जो है एक एक सेल्स पर्सन और टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन में डिफरेंस रहता है। तो आपने ये पूरा टॉपिक देखा, आप इसको प्रॉपरली वॉच करें, उसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी वो मुझे लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, फीडबैक के थ्रू लिखिए, या वॉइस मैसेज भेज के लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।